उन्हीं का हम सब धन्यवाद करते हैं कि हे गोविंद, आपने इतनी महामारी के बाद भी हमारे तन को, हमारे मन को और हमारे सामर्थ्य अनुसार धन को सुरक्षित रखा। और हम चाहते हैं कि जिसने हमें ये सुरक्षित जीवन दिया उसके लिए कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि अपना समय अपने प्रभु के नाम कर सकते हैं, अपने प्रभु के अर्पण कर सकते हैं। तो उसी परमात्मा के लिए हम सब यही विनती करते हैं कि हे गोविंद, जीवन भर हम संसार के बने रहे, घर बार के बने रहे, लेकिन कम से कम ये 7 दिन हम आपके बन के रहेंगे। और विश्वास मानो, जो 7 दिन गोविंद का बन जाता है, जो 7 दिन कथा का बन जाता है, जीवन भर मेरा गोविंद उसका बन जाता है, फिर उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। और आपने ये 7 दिन एक कष्ट जरूर सहना पड़ेगा। जब हम आपसे कहें कि प्रेम से बोलना पड़ेगा, तो आपने दोनों हाथ उठाकर, देखो जिसको गोविंद ने एक हाथ दिया है एक हाथ, जिसको दो दिए हैं दो, जिसको टेढ़े दिए टेढ़े, जिसको सीधे दिए बिल्कुल सीधे, हाथ उठा के क्या कहना है? राधे राधे। क्या कहना है? प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। और जिसका जितना हाथ ऊपर जाएगा वो उतनी जल्दी तरक्की करेगा, ऊंचाइयों की तरक्की करेगा। और आपने बड़े ध्यान से सुनना, ये कष्ट आपको हर बार सहना पड़ेगा। और जितना ये कष्ट सहोगे विश्वास मानो, उतने जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होंगे। और ये राधे राधे कहने का अर्थ, क्यों बुलवाया जाता है राधे राधे, और क्यों बार बार हाथ उठवाए जाते हैं? बोले महाराज जी, कभी कभी तो हमारे हाथों में भी दर्द हो जाता है, बार बार आप हाथ उठवाते हैं। तो ये राधे राधे कहने का बहुत बड़ा महत्व है कि जिसकी आप कथा श्रवण करने जा रहे हो, जिस परमात्मा की कथा की ज्ञान गंगा में आप स्नान करने जा रहे हो, प्यारे ये राधे के बिना आते भी नहीं है। इसीलिए सबसे पहले हमें राधे नाम का उच्चारण करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि राधे का अर्थ होता है राह दे, जो हमें गोविंद की राह दिखाती है, गोविंद की राह बताती है। जब हम राधे नाम का उच्चारण करते हैं तो विश्वास मानो, बैकुंठ से भी कन्हैया उस स्थान पे आ जाते हैं जिस स्थान पर राधे नाम का उच्चारण होता है। बोली श्री राधे रानी सरकार की जय। तो प्यारे, कि कोई भी शुभ कार्य किया जाता है, और ये बड़े सौभाग्य है क्योंकि मेरे गोविंद की मर्जी के बिना एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हिलता, चाहे कोई कितनी ही प्लानिंग कर ले। 9 बजे का समय रखा गया था कलश यात्रा का। कहते ना कि सब धरा का धरा रह जाता है, इच्छा इसी की होती है, चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, हर चीज का समय लिखा होता है। गोविंद की यही इच्छा थी। तो प्यारे, कि आपने इस शुभ कार्य की शुरुआत मंगल कलश यात्रा से करी। देखो, कलश यात्रा चाहे नगर परिक्रमा हो, चाहे व्यास पीठ की परिक्रमा हो, दोनों बराबर है। ये मत सोचना कि छोटी सी परिक्रमा की है, व्यास पीठ की परिक्रमा की है। प्यारे, जो भागवत कथा की व्यास पीठ की परिक्रमा कर लेते हैं, उसे 84 कोस की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है। आपने देखा होगा कि एक शादी करोड़ों की बैंकेट हॉल में होती है। अलीपुर में बड़े बड़े फार्म हाउस है ना, और एक शादी एक गरीब के घर में तसले में भी हो जाती है। छोटे से घर में, छोटे से तसले में 7 फेरे उसमें भी हो जाते हैं। लेकिन चमत्कार देखो कि जो करोड़ों की शादी होती है, जहां लाखों करोड़ों का खर्चा आता है, उस विवाह में कोई गारंटी नहीं होती।
कि बेटी सुखी है या दुखी है। उसमें 5,000 की 10,000 की जो प्लेटें होती है ना, बराती आते हैं, खाते हैं, हाथ पोंछते हैं, चले जाते हैं, लेकिन पीछे कोई नहीं देखता कि बेटी सुखी है या दुखी है। करोड़ों की शादी की कोई गारंटी नहीं कि बेटी सुखी है या दुखी है, लेकिन प्यारे जो गरीब के घर में तसले में साथ फेरे होते हैं ना, उसकी गारंटी पक्की होती है कि वो जीवन भर रिश्ता निभाती है। क्योंकि जो करोड़ों की शादी होती है प्यारे, उसमें धन को भगवान माना जाता है। कहते ना, ऐसे नोट लुटाए जाते हैं क्योंकि वो धन को भगवान मानते हैं। और जिसके घर में तसले में फेरे होते हैं, शादी होती है, वहां धन नहीं होता, वहां भगवान को धन माना जाता है कि हे गोविंद, हमारा कोई नहीं है। और ये सत्य है कि धनी को धनवान मिल जाते हैं, गुणी को गुणवान मिल जाते हैं, बलि को बलवान मिल जाते हैं, और जिसे कोई नहीं मिलता उसे भगवान मिल जाते हैं। अरे एक बार विश्वास करके तो देखो, इसे अपना बना के तो देखो, वो तुम्हें भी अपनाएगा, लेकिन तुम्हें एक कदम बढ़ाना पड़ेगा कि हे गोविंद, हम ये 7 दिन सिर्फ आपके बन के आएंगे। अरे जीवन भर सबका बन के देख लिया, लेकिन ये 7 दिन हम आपके बनकर आएंगे। अब ये देखना है कि आप हमारे कितना बनते हो। गोविंद कहते हैं, तू रिश्ता बनाकर तो दे, चाहे भाई के रूप में, चाहे पिता के रूप में, चाहे सखा के रूप में। कहते ना, तुमेव माता चे पिता तुमेव, तुमेव बंधु चे सखा तुमेव, कि एक बार मेरे गोविंद से रिश्ता बनाकर देखो। संसार रिश्ते की कदर नहीं करता, लेकिन मेरा गोविंद से जब तुम रिश्ता बनाओगे तो ये उस समय साथ देगा प्यारे जब कोई साथ नहीं देता। तो उसी परम पिता परमात्मा की आज हम कथा श्रवण करने जा रहे हैं। और ये जो मंगल कलश उठाया है, जो आपने शुभ आरंभ किया है प्यारे, ये कोई साधारण कार्य नहीं है। इसको कभी हल्के में भी मत लेना। ये मंगल कलश उठाना बहुत सौभाग्य की बात है। ना जाने कितने तुम्हारे पुण्य जागृत हुए हैं, ना जाने कितने सत्कर्म जागृत हुए हैं, तब तुम्हें ये मंगल कलश उठाने का सौभाग्य मिला है। और ये मंगल कलश साक्षात श्री हरि का स्वरूप है। और जिसने ये श्री हरि को अपने शीश पे धारण कर लिया प्यारे, उसके सभी रास्ते खुल जाते हैं, जैसे वसुदेव के रास्ते खुले। कथा में आएगा, जब कृष्ण जन्म हुआ था तो वसुदेव जी ने छोटे से लला को टोकरी पे रखकर गोकुल की ओर रवाना हुए थे। लेकिन जैसे ही टोकरी सिर पर रखी, लल्ला को शीश पे धारण किया, क्या था, बड़ी बड़ी मोटी मोटी बेड़ियां लगी हुई थी, वो अपने आप खुल गई। जो मोटे मोटे ताले लगे थे वो अपने आप खुल गए। और प्यारे जो पहरेदार 24 घंटे जागते थे वो अपने आप सो गए। सब रास्ते अपने आप खुलने चालू हो गए। इसका क्या अर्थ है? क्योंकि जब गोविंद को आप साथ लेकर चलते हो, अर्थात मंगल कलश को शीश पे लेके चलते हो, तो आपके बंद तकदीर के सभी रास्ते अपने आप खुलने चालू हो जाते हैं। और आप कथा में आए हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कथा में कभी अभिमान मत करना कि हम अपनी मर्जी से आए हैं। और ये कभी कहना भी मत कि हम अपनी मर्जी से आए हैं। यही कहना, गोविंद हमें पता है कि आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता इधर से उधर नहीं हिलता, तो हम कौन होते हैं अपनी मर्जी दिखाने वाले। ये आपने हमें चुना है, इसीलिए हम व्यासपीठ के सामने आपकी कथा का अमृत पान कर रहे हैं। क्योंकि संत महात्मा कहते हैं, प्यारे जिसे जनता चुनती है वो विधानसभा में बैठते हैं, जिसे जनता चुनती है वो विधानसभा में बैठते हैं, और जिसे मेरा गोविंद चुनता है केवल वही भागवत कथा में बैठते हैं। तो आइए बड़े भाव से ठाकुर से यही कहेंगे कि हे गोविंद, आपने हमें याद किया तो हम इस लायक हुए कि आपकी कथा का अमृत पान कर सके।
तो बड़े भाव से यही कहेंगे, कान्हा हमें बुलाए राधे रानी हमें बुलाए, 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 बड़े वो किस्मत वाले हैं जो ये मंगल कलश उठाए, बड़े वो किस्मत वाले हैं जो ये मंगल कलश उठाए, बड़े वो किस्मत वाले हैं जो ये मंगल कलश उठाए, बड़े वो किस्मत वाले हैं जो ये मंगल कलश उठाए, कान्हा हमें बुलाए राधे रानी हमें बुलाए, कान्हा हमें बुलाए राधे रानी हमें बुलाए, बड़े वो किस्मत वाले हैं जो ये मंगल कलश उठाए, बड़े वो किस्मत वाले हैं जो ये मंगल कलश उठाए, अरे नंदी पुना में भागवत जी की सबको आज बधाई, नंदी पुना में भागवत जी की सबको आज बधाई, अरे नंदी पुना में भागवत जी की सबको आज बधाई, नंदी पुना में भागवत जी की सबको आज बधाई, अरे मंगल कलश उठाया जिसके घर में खुशियां आई, मंगल कलश आया जिसने घर में खुशियाँ आई, अरे मौका चूक न जाए भगतो मौका चूक न जाए, मौका चूक न जाए भगतो मौका हाथ न जाए, बड़े वो किस्मत वाले हैं जो ये मंगल कलश उठाए, बड़े वो किस्मत वाले हैं जो ये मंगल कलश उठाए, अरे कान्हा जिसे बुलाए राधे रानी जिसे बुलाए, कान्हा जिसे बुलाए राधे रानी जिसे बुलाए, बड़े वो किस्मत वाले हैं जो ये मंगल कलश उठाए, बड़े वो किस्मत वाले हैं जो ये मंगल कलश उठाए, अखंड ज्योत जली काना की गूंज रहा जयकारा, अखंड ज्योत जली काना की गूंज रहा जयकारा, हर भक्तों के मुख से निकले काना का जयकारा, हर भक्तों के मुख से निकले काना का जयकारा, अरे काना के गुण गाए राधे रानी के गुण गाए, कान्हा के गुण गाए राधे रानी के गुण गाए, बड़े वो किस्मत वाले हैं जो ये मंगल कलश उठाए, बड़े वो किस्मत वाले हैं जो ये मंगल कलश उठाए, अरे कान्हा हमें बुलाए राधे रानी हमें बुलाए, कान्हा हमें बुलाए राधे रानी हमें बुलाए, बड़े वो किस्मत वाले हैं जो ये मंगल कलश उठाए, बड़े वो किस्मत वाले हैं जो ये मंगल कलश उठाए, अरे कान्हा जिसे बुलाए वो ही भागवत कथा में आए, कान्हा जिसे बुलाए वो ही भागवत जी में आए, अरे भागवत कथा में आकर अपना जीवन सफल बनाए, भागवत कथा में आकर अपना जीवन सफल बनाए, कान्हा को ले जाए राधे रानी को ले जाए, कान्हा को ले जाए राधे रानी को ले जाए, बड़े वो किस्मत वाले हैं जो ये मंगल कलश उठाए, बड़े वो किस्मत वाले हैं जो ये मंगल कलश उठाए, अरे कान्हा हमें बुलाए राधे रानी हमें बुलाए, कान्हा हमें बुलाए राधे रानी हमें बुलाए,
बड़े वो किस्मत वाले हैं जो ये मंगल कलश उठाए, बड़े वो किस्मत वाले हैं जो ये मंगल कलश उठाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, राम रामा हरे हरे, राम रामा हरे हरे। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय जय श्री राधे, जोर से बोलना पड़ेगा जय जय श्री राधे। अब कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, बड़े भाव से हरि की कथा का अमृत अपने हृदय में उड़ेलना पड़ेगा कि प्यारे भगवान ने हमें इतना सौभाग्य दिया है कि हम अपने समय में से कुछ समय परमात्मा क्यों दे रहे हैं। वैसे प्यारे हम देने वाले कौन होते हैं, ये सब कुछ तो परमात्मा ने हमें दे रखा है। आज इंसान के पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, सुख साधन है, ऐशो आराम है, लेकिन फिर भी दुखी है। हमने ऐसे ऐसे देखे हैं जिसके घरों में दो दो टन के कई एसी लगे हैं, दंडप के गद्दे लगे हैं, अलमारी में खूब धन भरा पड़ा है, गले में मोटी मोटी चैने भी हैं, लेकिन मन में चैन नहीं है। रातों को नींदें भी नहीं आती, कोई दवाई खा के सोते हैं तो कोई इंजेक्शन लगा के सोते हैं, और कईयों को तो दवाई का असर भी नहीं होता, इतनी टेंशन है। क्यों? क्योंकि प्यारे वो नकली चीज के पीछे पड़े हैं और नकली चीजों में आनंद ढूंढते हैं। क्या धन में सच्चा सुख है? प्यारे ऐसे ऐसे करोड़पति भी हैं जो हमसे भी ज्यादा दुखी हैं। क्यों? क्यों उनको हमेशा टेंशन रहती है कोई चोर ना आ जाए, कोई लुटेरे ना आ जाए, कोई इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए, हमारा धन कैसे बढ़े। और प्यारे वो 99 के चक्कर में पढ़ पढ़ के धन के पीछे भागते भागते, और कब तक भागते हैं? जब तक उसका निधन नहीं हो जाता। और ये इंसान को देखो, 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मिली है जिसे कहते मानव का चोला, और ये मानव का चोला पाने के बाद में भी इंसान पशु के बराबर जिंदगी जी रहा है। क्यों? केवल अपना पेट भरने के लिए, क्योंकि अपना पेट तो पशु भी भर लेते हैं, फिर इंसान और पशु में क्या फर्क रहा? क्या ये मानव का चोला केवल अपना पेट भरने के लिए मिला है? फिर इंसान और पशु में क्या फर्क रहा? हां, एक फर्क है, कि मानव अपने दिमाग से सोच के धन कमाता है, अपने दिमाग का उपयोग करके धन कमाता है,
अपनी भाषा दूसरों को समझा सकता है, दूसरों की भाषा खुद समझ सकता है, समझ बूझ के कार्य करता है। और ये पशुओं में शक्ति नहीं होती, ध्यान देना। लेकिन फिर भी चमत्कार देखो कि जो इंसान धन कमा सकता है, क्या कोई पशु, कोई पक्षी, कोई जानवर धन कमा सकता है? लेकिन फिर भी कोई पशु, कोई पक्षी, कोई जानवर भूखा नहीं रहता और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। सारे जिंदगी धन की हाय हाय में लगे रहते हैं और पूरा धन, पूरी जीवन ऐसे व्यर्थ में गवा देते हैं। और जिसने हमें संसार में भेजा है, हम भूल जाते हैं कि हम किस कार्य के लिए संसार में आए हैं। प्यारे, दो ही कार्य करने के लिए संसार में आए हैं, तीसरा आज तक नहीं हुआ। एक परमात्मा का नाम लेने के लिए, लेकिन क्या करें महाराज, समय ही नहीं है। कई कहते हैं हमारा परिवार बड़ा है, बच्चों को देखना है, पोतों को देखना है, बहुओं को देखना है, रिश्तेदारों को देखना है, लेकिन समय नहीं मिल पाता। सबके लिए समय है, लेकिन परमात्मा के लिए समय नहीं है। ये क्या है प्यारे? ये माया ही है। जिस माया के चक्कर में इंसान पड़ा हुआ है, वो चाहकर भी परमात्मा से नहीं जुड़ सकता। किसी ने पूछा कि असली माया क्या है? धन, रिश्तेदार, व्यापार या अन्य कार्य? असली माया क्या है? प्यारे, असली माया वही है जो तुम्हें परमात्मा से दूर कर दे, जो तुम्हें कथा से दूर कर दे। और दूसरा कार्य, या तो परमात्मा का नाम लेके परमात्मा से जुड़ जाओ, हरि की कथा सुन के हरि के बन जाओ, या अपने प्रारब्ध के कर्मों का फल भोगो। कि जो तुमने प्रारब्ध में कर्म किए हैं, अच्छे किए हैं, तो सुख के रूप में भोगना पड़ेगा, और किसी को कष्ट पहुंचाया है तो प्यारे वो भी दुख के रूप में तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। और इसी भागवत कथा में जो इंसान एकाग्र मन से कथा सुनता है, गोविंद का बन के कथा सुनता है, तो प्यारे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होना चालू हो जाते हैं और पुण्य बढ़ना चालू हो जाता है। कई कहते हैं महाराज, हम तो हरिद्वार में जाके सारे पाप धोए आते हैं, कथा में जाने की क्या जरूरत है? कौन कौन गए हैं हरिद्वार? हरिद्वार नहीं गए अब? सब जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, हरिद्वार में क्या करते हैं? क्या किया जाता है हरिद्वार में? स्नान किया जाता है। और ये गंगा स्नान क्यों किया जाता है? पाप धोने खातिर। अच्छा ये बताओ, कौन कौन पापी जन बैठे हैं यहां पर? क्योंकि जाने अनजाने में सब पाप करते हैं, कोई जानबूझ के करता है, किसी से अनजाने में हो जाते हैं। देखो ये जीव कितना चालाक है, पूरे साल भर पाप करता है और फिर हरिद्वार की गंगा में जाके हर हर गंगे, हर हर गंगे, सारे सोचता है सारे पाप धुल गए। ईमानदारी से बताओ, क्या पाप धुलते हैं? अगर सच में पाप धुल जाते तो इंसान पाप करना छोड़ देता, फिर भी इंसान पाप करता है। क्यों? क्योंकि उस गंगा में स्नान करने से पाप नहीं धुलते। क्या होता है? केवल आपका तन पवित्र होता है। और इंसान पाप क्यों करता है? क्योंकि मन अभी अपवित्र है। तन तो धोए आए क्या? गंगा में जाकर बंदे तू तन का मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तू तन का मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तू तन का मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तू तन का मैल धोता। जो मन का मैल न धोया, जो मन का मैल न धोया,
गंगा गया तो क्या हुआ, जो मन का मैल न धोया गंगा गया तो क्या हुआ। गंगा में जाकर बंदे तू तन का मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तू तन का मैल धोता। जो मन का मैल न धोया, जो मन का मैल न धोया गंगा गया तो क्या हुआ, जो मन का मैल न धोया गंगा गया तो क्या हुआ। परमात्मा न पाया पाया जन्म तो क्या हुआ, परमात्मा न पाया पाया जन्म तो क्या हुआ। कि प्यारे जो तन का मैल तो धो आए लेकिन मन का मैल अगर नहीं धोया तो प्यारे जीवन का कोई सार्थक नहीं है। तो ये तन का मैल तो आप धो आए, मन का मैल कहां धुलेगा। तो आपने एक गंगा में तो स्नान कर लिया, अब प्यारे दूसरी गंगा में भी स्नान करना आवश्यक है। कि दूसरी गंगा कौन सी है, बोले महाराज हमने तो एक ही गंगा सुनी है और वो है हरिद्वार की गंगा। प्यारे गंगा तो एक ही है लेकिन इसके प्रकार दो हैं। जैसे जल अमृत में मिलाओ तो चरणामृत बन जाता है और मदिरा में मिलाओ तो मदिरा बन जाती है। जल एक ही है लेकिन वो किस जगह गया है प्यारे उसका प्रकार बदल जाता है। ऐसे गंगा भी एक ही है लेकिन इसके दो रूप हैं। जिस गंगा में आप स्नान करने जाते हो जिससे केवल तन पवित्र होता है वो श्री हरि भगवान के चरण कमल से निकली है, अर्थात चरणों से निकली है। जिस गंगा से केवल तन पवित्र होता है और एक गंगा जो श्री हरि नारायण भगवान के मुख से निकली है अर्थात मुखारविंद से निकली है, जिसे कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा। इस गंगा में स्नान करने से प्यारे मन पवित्र होता है। जितना आप इसकी कथा का अमृत पान अपने कानों के छिद्रों द्वारा अपने हृदय में उतारोगे उतना आपका मन पवित्र होना चालू हो जाएगा, शुद्ध होना चालू हो जाएगा। क्योंकि मन में अभी बहुत विषय विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये विषय विकार हैं जो हमें परमात्मा से दूर करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप पर मेरे प्रभु की कृपा होगी, जैसे जैसे आप पर मेरे गोविंद की कृपा होगी, जैसे जैसे कथा का अमृत आपके कानों के छिद्रों द्वारा अपने हृदय में उतरेगा वैसे वैसे वो विष काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वो शरीर से मन से बाहर आते रहेंगे और आपका मन पवित्र होना आरंभ हो जाएगा। लेकिन कब होगा, जब आप कथा को ध्यान से सुनोगे, प्रेम से श्रवण करोगे। क्योंकि श्रवण का बहुत बड़ा महत्व है, सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं जो सुनता है कथा उसकी मिटती है व्यथा, सारे दुख दर्द ताप संताप सब दूर हो जाते हैं जो कथा को ध्यान से सुनता है। क्योंकि जब तक सुनोगे नहीं तो प्रभु को जानोगे कैसे। और ये मैं नहीं, ये आपकी आरती भी कहती है। और क्या कहती है, जो ध्यावे फल पावे दुख दिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे सुख आनंद घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि। कि जो ध्यावे सो फल पावे और कष्ट मिटे तन का। कि जो कथा को प्रेम से सुनता है ना प्यारे उसको उसका फल अवश्य मिलता है। और जो अंदर और बाहर के रोग होते हैं, जो इंसान आजकल चिंता में खोया जा रहा है, चेहरे से उदासी समाप्त होती जा रही है,
टेंशन में जी रहा है आज इंसान, और किसका गुस्सा किस पे उतारता है। लेकिन जब वो प्रेम से कथा श्रवण करता है तो उसे पता लगता है कि असली जीवन क्या है। असली जीवन है प्यारे दूसरों की सेवा करना। अरे अपना पेट तो बार बार बताया कि पशु भी भर लेते हैं, जब तुम्हारे हाथों से दूसरों के लिए सेवा आरंभ हो जाती है, जब तुम्हारे हाथ सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं, तो विश्वास मानो परमात्मा आप पर बड़ा प्रसन्न होते हैं। जब तुम्हारे हाथ सेवा के लिए उठते हैं तो प्यारे तुम्हारे घर में सुख शांति आना आरंभ हो जाती है। इसलिए परमात्मा ने तुम्हें अगर मुख दिया है तो प्यारे उसे भगवान का भजन, भगवान का गुणगान करो। लेकिन क्या करें महाराज, निंदा चुगली में इतना आनंद आता है, चार सहेलियां बैठ जाए और पांचवी की अगर कोई बुराई चल रही हो तो पूरा दिन समय का पता नहीं लगेगा, और सारा दिन बुराई होने के बाद में कहेंगे शाम को, अरे छोड़ो हमें क्या लेना, बाकी बात कल करेंगे। लेकिन प्यारे कथा में बैठते हैं तो हमें निंद्रा आती है, उबासी आती है, ध्यान भटकता है, आपस में बातें करने लग जाती हैं। क्यों? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जिसका कथा में ध्यान भटकता है, जिसको कथा में निंद्रा आती है, जिसको उबासी आती है, समझ लेना उसके सिर पे अभी पाप बाकी है, जो कथा सुनने में विघ्न डाल रहे हैं। कई बार आपने देखा है ना, कई माताएं बहनें कथा में आती हैं, सबसे पहले पंखा ढूंढती हैं कि पंखा कहां लगा है, उसके नीचे बैठेंगे। उसके बाद में अपनी पक्की सहेली को ढूंढती है कि कहां बैठी है, और सहेली भी मिल जाती है, अरे बहन यहां बैठ और बता क्या हालचाल है, सूट कहां से लाई, साड़ी कहां से लाई, ये कहां से किया, वो कहां से किया, इन बातों में लग जाती हैं, और जिस कथा को सुनने के लिए आई हैं प्यारे उससे वंचित हो जाती है। कथा में हम बताते हैं तीन तरह के लोग आते हैं, जिनके तीन तरह के भाव होते हैं। सबसे पहला भाव, बोले महाराज आपकी कथा बहुत अच्छी है, कथा में बहुत आनंद आता है, हमारा 3 घंटे टाइम पास हो जाता है। तो कौन कौन टाइम पास के भाव से बैठे हैं, क्योंकि प्यारे ये भागवत कथा टाइम पास का साधन नहीं है, ये तो जीवन संवारने का साधन है। जरूरी नहीं कि तुम्हें 7 दिन की कथा समझ में आए। वैसे एक बात बता दो ईमानदारी से, आपको आपके भाई की बेटे की भाषा समझ में तो आ रही है, किस किस को आ रही है? बहुत अच्छी बात है, अगर सरलता से समझ में आ रही है, वैसे हमें अंग्रेजी भी आती है, लेकिन वक्ता वही है जिसके मुख से कोई शब्द निकलता है और वो श्रोता के हृदय में सरलता से प्रवेश कर जाए, तो समझ लेना श्रोता भी सफल है कथा सुनने के लिए और वक्ता भी सफल है कथा सुनाने के लिए। तो प्यारे ये कथा सबसे पहले जान लेना कि टाइम पास का साधन बिल्कुल नहीं है। दूसरे भाव वाले आते हैं, बोले महाराज हम टाइम पास के भाव से नहीं आए, हम तो कथा सुनने के भाव से आए हैं। तो कौन कौन कथा सुनने के भाव से बैठा है? बहुत अच्छी बात, लेकिन ध्यान देना ये कथा क्या है, ये कथा एक आईना है। आईना समझते हो ना, कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। आप आईने के सामने बैठ जाओ, आपके कपड़े में जो दाग है, आपके चेहरे पे जो दाग है, वो आईना साफ साफ दिखा देता है। अब उस दाग को साफ करना या ना करना वो तुम्हारे हाथ में है, उसने तो दिखा दिया, क्योंकि आईना हमेशा सत्य बोलता है। ऐसे ही भागवत कथा भी एक ऐसा आईना है जो तुम्हारे गुण और अवगुण कथा के द्वारा दिखाता है।
अब इंसान अपने आप समझ जाता है कि हमें हमारे गुण भी दिख रहे हैं, हमारे अवगुण भी दिख रहे हैं। एक जगह हम कथा कर रहे थे, एक बूढ़ी मैया हमें घूर घूर के देख रही थी। हमने उनसे पूछा, मैया हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? बोले, ना लाला कोई गलती नहीं हुई, कथा बहुत अच्छी कर रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है पूरी कथा मेरे ऊपर चल रही है, पूरी कथा मेरे परिवार पे चल रही है, पूरी कथा मेरे घर बार पे चल रही है। तो ध्यान देना, जिसको ये लगे कि कथा मेरे ऊपर चल रही है, मेरे परिवार पे, मेरे संसार के ऊपर चल रही है, विश्वास मानो वही कथा श्रवण कर रहा है। तो प्यारे इस और ये कथा एक औषधि है, ध्यान देना, जो दवाई, अच्छा दवाई ज्यादातर मीठी होती है, कड़वी होती है, कड़वी होती है, लेकिन फिर भी खानी पड़ती है, फिर भी पीनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि दवाई पीने से इंसान को आराम आता है, इसीलिए पीनी पड़ती है। अच्छा ये भी सच बात है, कोई राजी राजी दवाई, कोई राजी राजी पिएगा? अब बीमार होगा तो ही पिएगा, ऐसे ही कोई राजी राजी भगवान को नहीं मानता। राजी राजी कोई कथा में नहीं आता, ध्यान देना, इस कड़वी सच्चाई है। जब उसके ऊपर कोई दुख पड़ता है, विपत्ति आती है, तभी भगवान याद आते हैं। और जब वो भगवान को याद करता है, तभी मेरा ठाकुर, मेरा गोविंद किसी न किसी संत को भेजता है कि जा इसके दुख दूर कर दे, कथा के द्वारा, सत्संग के द्वारा ऐसा अमृत पिला दे कि प्यारे उसके सब दुख दूर हो जाएं, सब कष्टों से निवृत्ति हो जाए। अब प्यारे कि जो इस औषधि को पी लेता है, बाहर की दवाई खाते हैं तो बाहर के रोग ठीक होते हैं, किसी को चोट लग जाए, बुखार हो जाए या कोई भी बीमारी, उन बाहर वाली दवाई से ठीक हो जाती है, लेकिन अंदर की बीमारी जिसे कहते हैं चिंता, जिसे कहते हैं डिप्रेशन, आज इंसान बताया कि हंसी समाप्त होती जा रही है। क्यों? वो परमात्मा से दूर होता जा रहा है और संसार में घुसता जा रहा है, संसार को अपना बनाता है, लेकिन संसार रचने वाले को अपना नहीं बनाता, इसलिए वो चिंता में पड़ रहा है। तब उसे भागवत कथा रूपी औषधि मिलती है पीने के लिए कि भैया ये औषधि भी पी कर दे। इसलिए कथा को केवल सुनो मत, ध्यान देना, जो कथा को केवल सुनने के भाव से आता है प्यारे, वो भी यहां से कुछ ज्यादा नहीं ले जाता। और तीसरे कौन से भाव वाले आते हैं? बोले, महाराज ना हम टाइम पास के भाव से आए, ना हम कथा को सुनने के भाव से आए, अरे हम तो कथा अमृत पीने के लिए आए हैं। जैसा कि आपने कहा कि औषधि पीने से आराम आता है, ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा रूपी औषधि को हम अपने कानों के छिद्रों द्वारा अपने हृदय में उतारने के लिए आए हैं। और जिसके हृदय में श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत, श्रीमद् भागवत कथा रूपी औषधि प्रवेश कर जाती है प्यारे, उसके अंदर के ताप संताप अपने आप दूर होने आरंभ हो जाते हैं। और ये भागवत कथा के प्रथम श्लोक में सिद्ध कर दिया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशय श्री कृष्णाय वयम नमः। कि प्यारे सच्चिदानंद रूपाय, जो सच्चिदानंद को अपने हृदय में बिठा लेता है, और ये सच्चिदानंद कौन है? सत्य चित और आनंद, जो ये तीन चीजों का अर्थ समझ लेता है और अपने मन में उतार लेता है, उसके हृदय में हमेशा आनंद रहता है, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। और ये तीन चीजें कैसे उतारनी चाहिए?
सबसे पहले सत्य। सत्य क्या है कि प्यारे जब तुम नहीं थे तब भी भगवान थे, जब तुम हो तब भी भगवान है, और जब तुम नहीं रहोगे तो भी भगवान रहेगा। ये सत्य है, ये अटल है, लेकिन कोई इसको समझने को तैयार नहीं कि राम का नाम सत्य था, राम का नाम सत्य है, राम का नाम सत्य रहेगा। ये जानते हुए भी कोई किसी को कह नहीं सकता, ना विश्वास हो तो किसी के घर पे बाहर खड़े होके कहकर देख लेना क्या राम नाम सत्य है, क्या करेगा, पीछे पड़ जाएगा। इसीलिए प्यारे जीते जी कोई किसी को कह नहीं सकता। कब कहते हैं, जब इंसान की मृत्यु हो जाती है ना, जब उसे अर्थी पे बांध के सजा के ले जाया जाता है, ना वो हाथ उठा सकता, ना वो चल सकता, ना कह सकता, ना सुन सकता, सब उस अर्थी को अर्थात उस मुर्दे को जो किसी काम का नहीं, उसे बार बार सुनाते हैं क्या राम नाम। अरे भैया जब जीते जीते तब सुना देते, तब समझ लेते कि राम का नाम सत्य है, राम का नाम सत्य था और राम का नाम सत्य रहेगा। लेकिन प्यारे तब इतनी हिम्मत नहीं होती। कोई बात नहीं, किसी को सुनाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ समझ लेना कि मैं अकेला नहीं हूं, हमेशा मेरे साथ भगवान था, भगवान है और भगवान रहेगा, मैं अकेला नहीं हूं। और जिसके मन में यह विश्वास हो जाता है, वो इस सत्य को पहचान लेता है, तो उसके चित, चित कहते हैं मन को, उसके मन में हमेशा आनंद की अनुभूति होती है, वो कभी चिंता में नहीं पड़ता। देखो किसी का काम थोड़ा सा बिगड़ जाता है ना, तो वो दुखी होना चालू हो जाता है कि ये सारे दुख मेरी झोली में डाल दिए। वो जगह जगह अपने दुख दूसरों को बतलाता है और सोचता है कि शायद ये मेरे दुख दूर कर देगा। क्या दूर करता है, बल्कि तुम्हारे दुखों की जगह हंसाई करने में देर नहीं लगाता। ये संसार कैसा है कि तुम्हारे दुखों को सुनता तो है लेकिन जगह हंसाई करने में देर नहीं लगाता और तुम्हारे सुखों को देखकर जलता है। इंसान दुखी क्यों है, क्योंकि वो अपने दुख से इतना दुखी नहीं है, इतना अपने दुख से दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से, जितना दूसरों की खुशी से वो परेशान है, इसीलिए दुखी है। सब कुछ होते हुए भी प्यारे वो परेशान रहता है, क्यों, कि वो हरि से दूर है। प्यारे हरि कभी तुमसे दूर नहीं हुए, परमात्मा कभी तुमसे दूर नहीं हुए, सामने रहते हुए भी तुम उसको देख नहीं पाते, क्यों, क्योंकि परमात्मा और तुम्हारे सामने एक दीवार खड़ी है जिसके कारण तुम मेरे गोविंद को देख नहीं पाते। और ये दीवार कौन सी है, ये अहंकार की है, और अहंकार के दो पुत्र हैं, मैं और मेरा। जब तक इंसान के अंदर ये मैं और मेरा रहेगा, प्यारे चाहकर भी तुम्हें परमात्मा दिखाई नहीं देंगे। अगर परमात्मा को देखना है, परमात्मा को पाना है, तो सबसे पहले अपने अंदर से मैं निकाल दो, अभिमान निकाल दो कि मैं कुछ नहीं हूं, ये तो मेरा भ्रम है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, असल में तुम्हारा कुछ नहीं है। अरे तो ये संसार, ये रिश्तेदार, ये जितने भी है ना माया, ये सब नश्वर है, एक ना एक दिन नष्ट हो जाने वाली है। और जिस शरीर पर भी तुम इतराते हो कि शरीर मेरा है, प्यारे शरीर भी तुम्हारा नहीं है। इसलिए संत महात्मा कीर्तन के द्वारा तुम्हें समझाते और कहते हैं, मूरख बंदे
क्या है रे जग में तेरा गोरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा गोरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा बंदे, क्या है रे जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है। कुछ तेरा ना मेरा मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा मूरख बंदे, क्या है रे जग तेरा। और प्यारे ये इंसान सारी जिंदगी धन इकट्ठा करने में लगा हुआ है और बड़ा खुश होता है कि मेरे इतने मकान, इतनी दुकान, इतनी प्रॉपर्टी है, लेकिन एक झटके में आपने सुना है रात को खाना खा के सोते हैं, सुबह पटाखा बन जाता है, सब धरा का धरा रह जाता है। क्या कितनी भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले, कितनी भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले, कितनी भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले, कितनी भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले, पर तेरे मरने के बाद में क्या करते घर वाले, पर तेरे मरने के बाद में क्या करते घर वाले, पर तेरे मरने के बाद में क्या करते घर वाले, पर तेरे मरने के बाद में क्या करते घर वाले। दो गज कफन उड़ा के तुझको, 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 छीन लेंगे तेरा डेरा मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। और कई तो ऐसे हैं कि दो पैसे आ जाते हैं तो इतराना चालू कर देते हैं कि मेरा बहुत बड़ा परिवार है, कोठी बंगले हैं, लेकिन प्यारे सुख आए तो कभी फूलना नहीं चाहिए और दुख आए तो कभी रोना नहीं चाहिए। क्या कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है, कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है, कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है, कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है। पत्नी और बच्चों के बीच तू फूला नहीं समाता है, पत्नी और बच्चों के बीच तू फूला नहीं समाता है, ये तो चार दिनों की चांदनी, 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 फिर आएगा अंधेरा मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। और प्यारे ये भागवत कथा क्यों कही जाती है, क्या कारण है बार बार कथा सुनने का, क्यों भगवान हम पर बार बार कृपा करते हैं, क्यों बार बार संत महात्माओं को भेजते हैं, क्योंकि प्यारे इंसान जीते जी जाने अनजाने में खूब पाप करता है, सोचता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन वो अंदर जानता है
कि ये धन कैसे आया, ना जाने कितने झूठ बोले, ना जाने कितनी बेईमानी की, ना जाने कितने जाने अनजाने में पाप किए। लेकिन कहते हैं जैसे इनकम टैक्स देने से व्हाइट मनी होती है, ऐसे ही सेवा करने से प्यारे तन मन धन की पवित्रता की शुद्धि होती है। और ये कथा सुनने से भी प्यारे तन मन पवित्र होता है, और कथा में सेवा करने से धन पवित्र होता है। कि हमारे घर में कोई भी ऐसी कमाई आती है, कभी देखा होगा आपने कि कोर्ट केस हो जाते हैं, कोई देखा होगा हर ऐसी बीमारी लग जाती है जो कभी छूटती नहीं, ये प्रारब्ध के फल होते हैं, कर्मों के फल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम कथा सुनते हैं प्यारे, धीरे धीरे वो प्रारब्ध के जो कर्म होते हैं वो कटना चालू हो जाते हैं, और प्यारे सुख का आगमन होना चालू हो जाता है। क्योंकि संत महात्मा कथा के द्वारा तुम्हें समझाते और कहते हैं, पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। कुछ तो समय है अब मानव, तू शाम नाम गुण गा ले। कुछ तो समय है अब मानव, तू शाम नाम गुण गाली। हर शाम नाम से मिट जाएगा, शाम नाम से मिट जाएगा, शाम नाम से मिट जाएगा, शाम नाम से मिट जाएगा। जन्म मरण का फेरा ओ मूरख बंदे, क्या है जग में तेरा। मूरख बंदे, क्या है जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है। कुछ तेरा ना मेरा ओ मूरख बंदे, क्या है जग में तेरा। मूरख बंदे, क्या है जग में तेरा। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय जय श्री राधे। इसीलिए प्यारे इस औषधि को अपने कानों के द्वारा अपने हृदय में अवश्य उतारो। जो इस कथा को अपने हृदय में उतारता है उनके मन से सभी विषय विकार दूर हो जाते हैं, और उसका हृदय उसका मन एक मंदिर बन जाता है। और उस मंदिर में फिर कौन आते हैं, परमात्मा आते हैं। आपने देखा होगा कि जिस खेती में बीज नहीं बोए जाते वो बंजर जमीन हो जाती है, उसमें खरपतवार उग जाती है, और खरपतवार अर्थात वो किसी काम की नहीं होती। इसी प्रकार आप अपने मन रूपी खेती में जब तक सत्संग रूपी बीज नहीं डालते, जब तक हरि की कथा रूपी बीज नहीं डालते, तब तक उस मन रूपी खेती में विषय विकार आते जाते रहते हैं। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार इसका वास रहता है। लेकिन जब आप अपने हृदय में ये कथा रूपी अमृत की धारा प्रवाहित करते हैं तो प्यारे ये सब विषय विकार निकल जाते हैं, खरपतवार निकल जाती है, और मेरे गोविंद का आगमन होना चालू हो जाता है, श्री हरि का आगमन होना चालू हो जाता है। और जब आपके हृदय में परमात्मा का वास हो जाता है फिर आपके चेहरे पे एक अलग ही तेज उत्पन्न हो जाता है, अलग ही रौनक आ जाती है। फिर आप ना दुख में रोते और ना सुख में फूलते। इसीलिए मैं आपको भी समझा रहे हैं कि कभी किसी के आगे में दुख में अपना रोना मत रोना। क्या सोचते हो ये संसार तुम्हारे जख्मों पे मरहम लगाएगा? बिल्कुल नहीं। ये तो तुम्हारे जख्मों को
और हरा कर देगा नमक लगा के। लेकिन जो मरहम लेके बैठा है उसके पास ये इंसान आने को तैयार नहीं। अरे एक बार आकर तो देखो, सारी चिंताओं से मुक्ति कर देगा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं अपने मन में गोविंद को बिठाओ। जो सुख में फूलता नहीं और दुख में रोता नहीं, हमेशा अपने मन को सरल रखता है। देखो दो चीजें हमेशा याद रखना, कथा में आपको बीच बीच में रत्न मिलेंगे, लेकिन उन रत्नों को कौन संभालता है वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसी कथा सुन रहा है, किस भाव से कथा सुन रहा है। और बीच बीच में आपसे पूछा भी जाएगा, आपका भी टेस्ट होगा, परीक्षा होगी कि आप कथा को कितना ध्यान से सुन रहे हैं। तो दो चीजें हमेशा याद रखना, कभी सुख में फूलना मत और दुख में रोना मत। कोई तुमसे पूछे क्या हाल है, कई बार हालचाल पूछते हैं ना लोग, कहते हैं क्या हाल है, तो लोग क्या कहते हैं अक्सर, बस काट रहे हैं। कभी भी मत बोलना बस काट रहे हैं, क्योंकि जीवन काटने की चीज नहीं है। ये तो तुम्हें अमूल्य जीवन मिला है जीने के लिए। तो महाराज क्या कहें, बड़े ध्यान से सुनना। कोई पूछे तुमसे कि क्या हाल है, अगर तुम्हें लगता है कि हमारे घर में इतना धन है कि हमारा परिवार भी सुख से चलता है, और घर में कोई साधु संत महात्मा ब्राह्मण बहन बेटी सुख से आते हैं और खुशी से जाते हैं, बच्चों में संस्कार है, बच्चे बड़ों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, घर में संत महात्मा का आना जाना लगा रहता है, तो समझ लेना आप सबसे बड़े धनवान हो। ये मत सोचना कि हमारे घर में गाड़ी घोड़े हैं, 2.5 लाख की 5 लाख की डाइनिंग टेबल है तो हम धनवान हैं। अरे हमने ऐसे ऐसे घर देखे हैं जिसके घर में 2.5 लाख 3 लाख यहां तक कि 5-5 लाख की डाइनिंग टेबल है पूरी शीशे की, लेकिन ऐसे 5 लाख की डाइनिंग टेबल का क्या फायदा, कोई खाने वाला ही नहीं। 500 गज के मकान में केवल 2 बूढ़ा और बुढ़िया रहते हैं, बच्चे सारे कोई विदेश में चले गए, कोई छोड़ के चले गए, ऐसे मकान का क्या फायदा। अरे भले 5 लाख की डाइनिंग टेबल घर में ना हो, एक छोटी सी चटाई हो और पूरा परिवार सारे बच्चे हंसते खेलते हुए ठहाके मार मार के उस चटाई में बैठकर एक साथ जब भोजन करते हैं हंसते खेलते हुए, तो समझ लेना वो सबसे बड़ा धनवान परिवार है। अगर तुम्हारे पास भी ऐसा है कि इतना धन है, तुम्हारा परिवार भी सुख से चलता है, घर में सुख शांति है, घर में प्रेम का वातावरण है, आप बड़े बूढ़ों का आदर करते हो, संत महात्मा का आदर करते हो, तुम्हारे हाथों से किसी के लिए भी सेवा के लिए हाथ आगे बढ़ते हैं, तो कोई तुमसे पूछे क्या हाल है, तो तुमने कहना है हरि की कृपा है। क्या हाल है, क्या हाल है, हरि की कृपा। और थोड़ा बहुत दुख भी आ जाए तो घबराना मत। इंसान जरा सा दुख आता है घबरा जाता है, कभी मत घबराना। असल में दुख क्या है और सुख क्या है, ये सुख और दुख परमात्मा ने नहीं दिए, ये सुख और दुख तुम्हारे कर्मों का ही फल है। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो सुख के रूप में मिलेगा, और अगर किसी को कष्ट पहुंचाया है, बेईमानी की है, किसी को दुख दिया है, तो प्यारे उसका फल भी भुगतने के लिए तैयार रहना। तो किसके रूप में मिलता है, वो दुख के रूप में मिलता है, और इसका भुगतान तुम्हें अवश्य करना पड़ेगा। बोले तो महाराज जब इसका भुगतान ही हमें करना है तो फिर सेवा करने का फायदा क्या, भक्ति करने का फायदा क्या, जब हमें दुख ही भोगना है। बड़े ध्यान से सुनना कि एक राजा
जिसने अपने राज्य में बहुत सुंदर मंदिर बनवाया और मंदिर में एक पुजारी को रखा कि पंडित जी इस मंदिर में आप प्रेम से पूजा करना, खूब सेवा करना। और वो पंडित जी खूब मन लगा के मंदिर में सेवा करते। अब प्यारे एक बार क्या हुआ, राजा जी अपनी तलवार लटका के शयन कक्ष में गए। रानी आई, रानी ने देखा ओहो इतनी सुंदर तलवार, क्योंकि उस तलवार की मयान में बाहर हीरे मोती जड़े हुए थे। उसने सोचा जब बाहर से तलवार इतनी सुंदर दिख रही है तो अंदर कितनी सुंदर होगी। उधर से तलवार उठाने लगी और जैसे मयान में से तलवार निकाली, प्यारे वो तलवार हाथ से छूट गई और नीचे रानी का छोटा सा बच्चा सो रहा था, वो तलवार सीधी उस बच्चे की गर्दन पे लग गई और उस बच्चे की मृत्यु हो गई। अब तो रानी घबरा गई कि अगर ये बात राजा को पता चल गई तो राजा मुझे मृत्यु दंड देगा। रानी ने सोचा कि क्या किया जाए। अब प्यारे वो तलवार रानी ने मंदिर में फेंक दी। अब जैसे सुबह हुई, पंडित जी ने मंदिर का प्रवेश किया मंदिर में, तो क्या देखा, तलवार रखी थी। बोले ये तो राजा की तलवार है। जैसे ही उठाई उसी समय रानी ने आकर शोर मचा दिया कि देखो इस पुजारी ने मेरे पुत्र को मार दिया। और प्यारे इतना सुनते ही महाराज आए, क्या देखा, पंडित जी के हाथ में तलवार। अब पंडित जी कितना ही मना करे कि मैंने नहीं मारा नहीं मारा, जब हाथ में तलवार है तो कोई कहेगा कि तूने नहीं मारा। अब तो राजा को क्रोध आया, राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि जिस हाथों से इसने मेरे बेटे को मारा है इसके दोनों हाथ काट दो। अब पुजारी बेचारा निर्दोष था, लेकिन फिर भी उसके दोनों हाथ राजा ने कटवा दिए। अब क्या करता, अब पूजा करने के भी लायक नहीं, कोई कार्य करने लायक नहीं। उसको लगा कि ये दुख क्यों आया, मैंने अपने जीवन में किसी को दुख नहीं पहुंचाया, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया, फिर इतना बड़ा दुख कि जिन हाथों से मैं भगवान की सेवा करता था, जिन हाथों से मैं कार्य करके परिवार चलाता था, आज राजा ने मेरे दोनों हाथ ही कटवा दिए। तब उसे पता चला कि राज्य में एक संत महात्मा है जो भविष्य बताते हैं और पिछले जन्म की भी बात बताते हैं। अब वो प्यारे पुजारी उस महात्मा के आश्रम में गया, अपनी इस कार्य का, इस कर्म का उत्तर जानने के लिए कि मेरे साथ क्यों हुआ, इस जन्म में तो मैंने कुछ नहीं किया। जैसे ही प्यारे वो पुजारी उस आश्रम में गया तो क्या देखा, महात्मा जी तो अंदर थे, उनकी धर्मपत्नी बाहर थी। पुजारी ने महात्मा की धर्मपत्नी से कहा कि मुझे महात्मा जी से मिलना है। अब तो जो महात्मा की धर्मपत्नी थी बहुत टेढ़ी थी, ना जाने कितना अपशब्द महात्मा के लिए कहने लगी, काम धाम करते नहीं है, सारा दिन बहकाते रहते हैं, ये करते रहते हैं, वो करते रहते हैं। महात्मा जी चुपचाप सुन रहे थे। अब वो उल्टा सीधा बोले जा रही थी, महात्मा सुने जा रहे थे। अब पुजारी ने सोचा मैं तो अपनी जानने के लिए आया था, ये खुद अपनी धर्मपत्नी से परेशान है, ये मुझे क्या बताएंगे, लेकिन चलो पूछ लेते हैं। जैसे ही महात्मा जी बाहर आए, बोले महात्मा जी मैं आपसे कुछ पूछने के लिए आया था, लेकिन क्या पूछूं, यहां तो आपके साथ ही धर्मपत्नी जी आपको अनाप शनाप बोले जा रही है और आप चुपचाप सुने जा रहे हो। अब महात्मा जी मुस्कुराए, बोले ये मेरे कर्मों का फल है। ध्यान देना सज्जनों, इतने बड़े महात्मा जिनको भूतकाल और भविष्य का भी पता है, बोले मुझे सब पता है इसलिए इसकी सुन रहा हूं। बोले कैसे,
बोले पिछले जन्म में ये गधी थी और मैं कौवा था। पिछले जन्म में ये गधी थी धर्मपत्नी और मैं कौवा था। अब ये जब इसके पीठ पर जब सामान रख के लोग ले जाते थे, क्योंकि गधे का काम क्या है, बोझा ढोना, जब इसके पीठ पे ले जाते थे तो इसके जख्म हो जाते थे। अब मैं कौवा था, जब इसके जख्म होते थे मैं उड़ उड़ के आता और इसकी पीठ पे बैठ जाता और खूब चोंच मार मार के इसको कष्ट पहुंचाता। जब जख्मों पे कोई चोंच मारता है, चोट मारता है, तो क्या होता है, दर्द होता है। अब मैं चिल्लाती थी, अर्थात ये गधी चिल्लाती थी और मुझे आनंद आता था। और मेरा रोज का यही नियम कि रोज ये बोझा ढोके जाती, इसके जख्म होते और मैं उड़ के आता और इसकी पीठ पे चोंच मार मार के इसको और परेशान करता था कि चिल्लाती थी और मुझे आनंद आता था। इसी चीज से परेशान होकर एक दिन इसने क्या किया कि मैं इसकी पीठ पे बैठा था, चोंच मार रहा था और ये सीधा नदी में गई और मैं भी बैठा बैठा छोड़ा नहीं, जिससे दोनों की मृत्यु हो गई। मैंने इसे परेशान किया, ये मेरा कर्म बन गया प्रारब्ध। अब इस जन्म में प्यारे मैं इसको चोंच मारता था ना, इस जन्म में अब ये मुझे अपनी बातों के ताने दे देकर मुझे कष्ट पहुंचाती है। और उस समय मैं सहता था, उस समय ये सहती थी, अब मैं सहता हूं, क्योंकि कर्म हमेशा लौट के आते हैं। इसलिए मुझे चुपचाप सहना पड़ रहा है, क्यों मैं अपने प्रारब्ध के कर्म का फल भोग रहा हूं। अब तो पुजारी कहने लगा, महाराज आपने कर्मों का तो बता दिया, अब मेरे भी कर्म बता दो कि मैंने किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया, किसी का बुरा नहीं किया, तो ये मेरे साथ क्या हुआ, मेरे दोनों हाथ क्यों कट गए। तब महात्मा जी ने कहा, तुझे भी तेरे प्रारब्ध के कर्मों का फल मिला है। कैसे? बोले तू पिछले जन्म में एक साधारण व्यक्ति था, और एक कसाई जिसका काम था मांस काटना, अर्थात वो गाय भैंस को काटता था। अब वो कसाई एक गाय को काटने जा रहा था, तभी वो गाय उस कसाई से छूटकर भागने लगी अपनी जान बचाने के लिए। अब गाय आगे आगे और कसाई पीछे पीछे। अब वो गाय तुम्हारे आगे से निकली, पीछे से जब कसाई आया तो कसाई ने तुमसे पूछा कि तुमने किसी गाय को जाते हुए देखा, तो प्यारे तुमने दोनों हाथ उसे कह दिए गाय उधर गई है, जिसके कारण वो कसाई उधर जाके उस गाय को काट दिया। अब प्यारे वही तुम्हारा प्रारब्ध बन गया, वही तुम्हारा कर्म बन गया। इस जन्म में वो कसाई कौन था प्यारे? वो राजा था। और गाय कौन थी जिसने तुम्हारे हाथ कटवाए? वो रानी थी। और प्यारे तुमने हाथों से इशारा किया, इसलिए वो तुम्हारे हाथ काटे गए। इसलिए हम आपसे भी कहते हैं प्यारे, जितना हो सके सबसे पहले अपना प्रारब्ध सुधारो। बोले महाराज ये प्रारब्ध कम बनता है प्यारे? जब आप कर्म करते हो। अभी कथा भी सुन रहे हो ना, ये तुम्हारा सत्कर्म प्रारब्ध बन रहा है। जब तुम कथा में किसी भी रूप में सेवा करते हो, ये तुम्हारा सत्कर्म रूपी प्रारब्ध बनता है, जो किसी ना किसी रूप में तुम्हारे ही काम आता है। कहते सुना होगा आपने, किसी के घर में कोई भयानक एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भयानक रोग लग जाता है, और प्यारे जब वो एक्सीडेंट होने के बाद भी ठीक हो जाता है, भयानक रोग लगने के बाद में भी ठीक हो जाता है, तो लोग यही कहते हैं कुछ लिया दिया काम आ गया, कुछ लिया दिया आगे आ गया। और ये लिया दिया क्या होता है? जो जाने अनजाने में तुमने सत्कर्म किया है।
जो अनजाने में तुमने सेवा करी है, किसी भी रूप में की है, इसका फल प्रारब्ध के रूप में तुम्हें अवश्य मिलता है। और ये भागवत कथा भी आप सभी के सहयोग से हो रही है, किसी को ये ना लगे कि कोई अकेला कथा करा रहा है। क्यों? क्योंकि ये हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं कि भगवान ने हमें ये सेवा का सौभाग्य दिया है कि प्रभु कि हम आपकी नौकरी करेंगे। प्यारे, दुनिया की बहुत नौकरी करके देख ली, ये संसार कैसा है, ये गुलाम बना के रखता है। 45 दिन काम कराएगा, 30 दिन के पैसे देगा, और 30 दिन के पैसे 20 दिन में खत्म हो जाते हैं। फिर दूसरों के आगे हाथ फैलाओ, तब भगवान ने कहा तूने संसार में बहुत नौकरी कर ली, ऐसी कृपा करी कि प्यारे ठाकुर ने अपने चरणों में अपनी सेवा में रख लिया। और आज विश्वास मानो, दिल्ली का कोई ऐसा गांव कोई शहर नहीं जो इस नालायक आदमी को ना जानता हो। और ये सत्य कह रहे हैं कि हम तीन भाई हैं, एक हमसे बड़ा है, एक हमसे छोटा है, बीच वाले हैं। और जब छोटे थे तो हमारे माता पिता कहते थे ये एक नंबर का नालायक है। क्यों? पढ़ने में दिमाग नहीं लगता था, कार्य कुछ होता नहीं था, संगत उल्टी मिल गई थी। देखो ये सत्य कहानी बता रहे हैं, क्योंकि अगर अपने आप को खाली बिठाओगे तो गलत जगह जाओगे। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का। अब कोई काम नहीं था तो बुरी संगत मिल गई, अब बुरी संगत मिल गई तो प्यारे गलत कामों में पड़ गए, गलत कुकर्मों में पड़ गए। अब जब बच्चा कुकर्म में पड़ जाता है, गलत संगत में पड़ जाता है, तो माता पिता एक ही काम करते हैं, इसकी शादी कर दो, सुधर जाएगा। अरे ये तो बिगड़ गया, क्यों एक लक्ष्मी को भी जीवन खराब करेंगे। उन्होंने क्या किया, एक फैक्ट्री लगवा दी। भाई काम तो दिखाना पड़ेगा ना, जुराब की फैक्ट्री लगवा दी। अब प्यारे कह दिया कि हमारी तो फैक्ट्री है, शादी भी जैसे तैसे हो गई। और प्यारे कभी भी बिना एक्सपीरियंस के काम आरंभ मत करना। एक्सपीरियंस नहीं था प्यारे, जो माल जाता था उससे उल्टा वापस आ जाता था, नुकसान पे नुकसान होता रहा। इतना भी चलो झेल लिया, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, बिजली का ऐसा छापा पड़ा कि फैक्ट्री बंद हो गई और जो मशीनें थी प्यारे वो लोहे में तोल के भाव बिक गई। अब कहीं रास्ता नहीं मिला, ध्यान देना। अब किसी ने सलाह दी कि जो पैसा बचा है ना ब्याज बट्टे पे चला दो, खूब तरक्की होगी। अब प्यारे सारा पैसा ब्याज पे दे दिया, ना आज तक ब्याज आया ना मूल आया। अब कईयों के घर पे नौकरी करी, किसी की जॉब करी, आपको जैसा कि बताया कि कोई अगर 20,000 का काम करवाता है तो 5,000 रुपए ही देता है, खून निचोड़ लेता है। परेशान हो गए, तब हमने सोचा कि संसार को बहुत देख लिया, संसार की बहुत नौकरी कर ली, हे गोविंद अब तो तेरी ही नौकरी करनी है। और विश्वास मानना, जब से गोविंद की नौकरी करनी आरंभ करी है, जब से इसकी सेवा करनी आरंभ करी है, प्यारे मेरे ठाकुर ने खूब बल्ले बल्ले कर रखी। तभी से हम कहते हैं मेरे श्यामा तेरी नौकरी, मेरे श्यामा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, ओ सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरी भागवत की ये हाजरी, ओ तेरी भागवत की ये हाजरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, ओ बढ़िया है सबसे करी। मैं नहीं था किसी काम का, नहीं
ले सहारा तेरे नाम का, मैं नहीं था किसी का बेटा। ले सहारा तेरे नाम का, हो गई जब से रहमत तेरी, हो गई जब से रहमत तेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे काना तेरी नौकरी, मेरे तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। और इस नौकरी की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि इस नौकरी में तनख्वाह बिल्कुल नहीं मिलती। किसी के नौकरी करने जाते हैं, बोले महाराज तनख्वाह क्या दोगे। हम सोचते हैं हमें 1 लाख मिल जाए, सामने वाला सोचता है फ्री में आ जाए। तो हमने ठाकुर से कहा, प्रभु हम तो तुम्हारी सेवा करेंगे, जैसा तुम चाहो वैसा दे देना। कभी तो बल्ले बल्ले कर देता है, कभी जो होता है वो भी ले लेता है, लेकिन आनंद कितना आता है। क्या मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं। कुछ मिले ना मिले गम नहीं, ओ मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं। कुछ मिले ना मिले गम नहीं। हो गई शान ऊंची मेरी, हो गई शान ऊंची मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरी भागवत की ये हाजिरी, तेरी भागवत की ये हाजिरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। प्रेम से बोलना पड़ेगा। देखो इस हाजिरी में, इस सेवा में इतना आनंद आता है। कई बार हमारे पास फोन आता है, बोले महाराज जी एक बात बताओ, किसी किसी कथा में तो आपके 1100-1500 कलश उठ जाते हैं और किसी किसी भागवत कथा में केवल 11 ही रह जाते हैं। आपको महसूस नहीं होता? बोले मेरे को बिल्कुल महसूस नहीं होता। मेरे लिए चाहे 11,000 हो, चाहे 11 लाख हो, चाहे 1 श्रोता भी बैठा हो, लेकिन वो श्रोता कैसा होना चाहिए प्यारे? वो श्रोता होना चाहिए जो केवल ठाकुर के लिए आए, जो केवल कथा के लिए आए। आजकल आपने देखा होगा कथा के कई बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं, जहां झूमर होते हैं, एयर कंडीशन लगते हैं, बड़े बड़े म्यूजिशियन बैठे रहते हैं, आगे आगे सोफे लगे होते हैं, पीछे पीछे मैट बिछे होते हैं। वहां क्या होता है? वहां पे कथा सुनने कम और दिखाने के लिए ज्यादा जाते हैं। कई तो ऐसे होते हैं, अरे बहू मैं वो उस कथा में जा रही हूं
वहां पे लाइव टेलीकास्ट होगा, देख मैं खड़ी होंगी तो मुझे देख लेना, मैं साधना चैनल पे आऊंगी, आस्था चैनल पे आऊंगी, क्योंकि हम टीवी में देखते हैं ना, जब जैसे कैमरा उनकी तरफ आता है, कथा में ध्यान नहीं, ऐसे लंबे लंबे हाथ उठा के बताते हैं कि हमारे घर में सब देख रहे होंगे कि हम भी, क्यों वो कथा के लिए नहीं आते, वो सिर्फ दिखाने के लिए आते। और कई जगह तो एक बहन जी रोज कथा में जाती थी, पति देव कहते तेरी भगवान कहां जाती, बोले मैं भागवत कथा में जाती हूं। बोले क्या होता है, बोले बड़े बड़े टेंट लगे हैं, बड़े बड़े झूमर लगे हैं, आगे सोफे में, सोफे में बैठती हूं। बोले अच्छा, बोले कथा में आनंद आता है, बोले आनंद तो खूब आता है लेकिन समझ में कुछ नहीं आता, क्यों, क्योंकि महाराज जी संस्कृत में बोले जाते हैं, बोले जाते हैं, तो कहने का भाव क्या है ध्यान देना, कि श्रीमद् भागवत कथा में 12 स्कंद हैं, 365 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं, लेकिन जो इन श्लोकों को सरलता से श्रोता के हृदय में प्रवेश करे, क्योंकि 12 स्कंद आज प्रथम और द्वितीय स्कंद हम श्रवण करने जा रहे हैं, जिसमें श्रोता और वक्ता दोनों का योग्यता देखी जाती है कि सुनने वालों के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और कथा कहने वालों के अंदर कौन सी योग्यता होनी चाहिए जो कथा कह सके, श्रोता कैसा होना चाहिए, जरूरी नहीं कि वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, कथा में बैठो तो बिल्कुल अज्ञानी बनके, अज्ञानी कौन है, मुझे कुछ नहीं आता, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम, कि मुझे कुछ नहीं आता, बस मैं तुम्हारे चरणों की शरण में आया हूं। जितना तुम अज्ञानी बन के बैठोगे उतना तुम्हें कथा अच्छे से समझ में आएगी, और अगर विद्वान बन के बैठोगे कि मुझे तो बहुत कथाएं आती हैं, और कई तो यहां तक कह देते हैं, बोले महाराज जी और कितनी कथाएं सुने, हमने 10 कथाएं सुनी, हमने 20 कथाएं सुनी, हमने 50 कथाएं सुनी। सच बताएं, जो ये कहते हैं ना हमने 10 कथाएं, 20 कथाएं, 50 कथाएं सुनी, हमारी नजर में उसने एक भी कथा नहीं सुनी, क्यों, क्योंकि जो मेरे ठाकुर से प्रेम करता है, जो भागवत जी से प्रेम करता है, कभी भी कथा की गिनती नहीं करता। अच्छा ये बताओ, बचपन से अब तक तुमने कितनी बार भोजन किया, क्या कभी गिनती करी, कितनी बार पानी पिया, क्या कभी गिनती करी, क्यों गिनती नहीं करी। बोले महाराज जब जब भूख लगती है तो भोजन कर लेते हैं, जब जब प्यास लगती है तो पानी पी लेते हैं, इसमें क्या गिनती करनी। बहुत अच्छी बात कही, लेकिन प्यारे आपने एक चीज और देखी कि जब जब आपको भूख लगी तो आपने भोजन किया, जब जब प्यास लगी तो पानी पिया, ये आपकी शरीर की आवश्यकता है, लेकिन आपके शरीर के अंदर एक चीज है जिसकी वजह से आप चल रहे हो, क्या है, आत्मा। उस आत्मा की भी एक आवश्यकता है, उसको भी कुछ तृप्ति चाहिए, उसको परमात्मा से मिलना है। अरे मरने के बाद तो हर आत्मा परमात्मा से मिलती है, लेकिन उसका भी मन करता है कि मैं जीते जी भी शरीर के अंदर रहकर भी परमात्मा से मिलूं। तो जब आप कथा में आते हैं तो प्यारे आपने अंतर मन रूपी आत्मा बड़ी प्रसन्न होती है, और जिसका कथा में जरा सा भी मन कर जाता है कि मुझे कथा श्रवण करनी है, तो आपके मन करने से पहले मेरा गोविंद आपके मन में बैठ जाता है, और वो भी बड़ा खुश होता है कि आज मैं अपने भक्त के हृदय में बैठकर अपनी ही लीलाओं का वर्णन अपने इनके कानों के द्वारा श्रवण करूंगा। तो इसलिए प्यारे अपने मन रूपी आत्मा को परमात्मा से अवश्य मिलाया करो, क्योंकि अगर जीते जी आत्मा परमात्मा से मिल गई तो कभी भी ये शरीर भटकेगा नहीं,
कभी भी ये शरीर विषय विकारों में नहीं जाएगा। और जिस कथा में आप प्रवेश करने जा रहे हो, सबसे पहले ये समझ लो कि भागवत कथा क्या है। ये कोई पुस्तक, कोई ग्रंथ, कोई किताब नहीं है। ये मत सोच के आना कि केवल हम कथा सुनने के भाव से आ रहे हैं। ये सोच के आना कि हम ठाकुर के दर्शन के लिए आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भागवत कथा साक्षात श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। और जो ये सोच के आता है कि मैं ठाकुर जी के दर्शन के लिए आ रहा हूं, प्यारे, वो यहां से खाली हाथ नहीं जाता, ठाकुर को साथ लेके जाता है। मेरा गोविंद उसके साथ जाता है। और भागवत कथा के केवल चार अक्षर आपने समझ लिए तो समझ लेना आपने पूरी भागवत कथा अपने अंदर उतार ली। और ये भागवत कथा के चार अक्षर कौन कौन से, बड़े ध्यान से सुनना और मेरे साथ साथ बोलना। बोलियो, भा, ग, व और ता। सिर्फ चार अक्षर आपने अगर श्रवण कर लिए तो समझना पूरी भागवत कथा आपके हृदय में उतर जाएगी। और ये चार अक्षर का अर्थ कौन कौन सा है मेरे साथ बोलना पड़ेगा। बोलो, भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से तुरंत मुक्ति। तुरंत मुक्ति का मतलब नहीं कि जीते जी भी मुक्ति मिलती है और मरने के बाद मुक्ति की कोई गारंटी नहीं। आपको इसका अर्थ आपको बाद में बताएंगे कि मृत्यु और मुक्ति में क्या अंतर है। पहले हम भागवत कथा की ओर चलते हैं। तो ये चार अक्षर का अर्थ भी समझ लेना। जिसके अंदर ये चार अक्षर के अर्थ भी समझ में आ जाते हैं तो उसे मेरे ठाकुर समझ में आ जाते हैं। ये चार अक्षर का अर्थ कैसे है? ये भा से भक्ति। भक्ति क्या होती है? कैसे पता चले कि हम भक्त बन गए? क्या हाथ में माला लेने से भक्त बन जाते हैं? हाथ में माला है लेकिन ध्यान कहीं और है तो प्यारे, ऐसी भक्ति का कोई फायदा नहीं। तो कैसे पता चले कि हम भक्त बन गए? प्यारे, भक्ति ऐसी जो तुम्हें किसी को बताना ना पड़े कि हम भक्त बन गए। अच्छा, दीपक किसी को बताता है कि मैं दीपक हूं? प्यारे, जब दीपक जलता है तो सबको पता चल जाता है कि दीपक जल रहा है, उजाला कर रहा है। फूलों के बताने की जरूरत नहीं होती कि हम फूल हैं। जब खुशबू आएगी तो सबको पता चल जाएगा कि फूल आ गए। इसी प्रकार भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए जो तुम ना बताओ सबको पता चल जाए। और ये भक्ति कैसे सिद्ध होती है, ये कैसे भक्ति जागृत होती है, बड़े ध्यान से सुनना कि जितना प्रेम तुम अपने बच्चों से करते हो, कोई तुमसे पूछे कि तुम बच्चों से कितना प्रेम करते हो, क्या कोई नाप तोल है? 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 100 किलो? अरे, बच्चों का प्रेम तो अनमोल है। कोई तुमसे पूछे तुम अपने परिवार से कितना प्रेम करते हो, क्या कोई नापतोल है? सारे काम छोड़ के परिवार की सेवा में लगते हो क्योंकि परिवार का प्रेम भी अनमोल है। और जितना प्रेम तुम अपने धन दौलत से करते हो, जितना प्रेम तुम अपने बच्चों से करते हो, जितना प्रेम तुम अपने परिवार से करते हो, जितना प्रेम तुम अपनी धन दौलत से करते हो, यदि उतना ही प्रेम मेरे गोविंद से भी करने लग जाओ तो तुम्हारी भक्ति अपने आप जागृत हो जाएगी। ध्यान देना। लेकिन प्रेम पक्का होना चाहिए। और ये प्रेम कब बनता है? जब तुम रिश्ता बनाते हो। क्या तुम्हारे बेटे के माथे पे तख्ती लगी है कि तुम्हारा बेटा है? क्या तुम्हारे भाई के माथे पे तख्ती लगी है कि तुम्हारा भाई है, पिता है, माता है, कोई भी रिश्ता है? तख्ती नहीं लगी लेकिन फिर भी तुम मन से उसे अपना मान लेते हो, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरी माता है। क्यों? तुमने मन से उसे अपना मान लिया, इसलिए उससे प्रेम करते हो।
ऐसे ही मेरे ठाकुर को भी मन से पक्का मान लो कि ये मेरा भाई है, ये मेरा पिता है, ये मेरा सखा है, या जो भी आप मानना चाहो। जब तुम मन से अपना मानोगे तो वो प्रेम अपने आप जागृत हो जाएगा, भक्ति अपने आप जागृत हो जाएगी। कि एक बूढ़ी मैया लड्डू गोपाल जी को अपना पुत्र समझ के, पुत्र मान के उसकी खूब सेवा करती थी, सुबह से शाम तक उसी की सेवा में लगी रहती, खूब स्नान कराती, खूब श्रृंगार करती, खूब भोग लगाती। अब उसका बेटा भी बड़ा हो गया, बेटे की शादी कर दी। अब बहुत सुंदर तो बहुत आई। हम आपको एक बात बता देते हैं कि जरूरी नहीं जो बाहर से सुंदर हो वो अंदर से भी उतनी सुंदर हो। अब बहू इतनी सीधी थी कि जितना काम बोलती थी सासू माँ उतना ही करती थी, उससे इतना भी ज्यादा नहीं करती थी। सब कहते थे अरे सासू जी तुम्हारी बहुत बहुत सीधी आई है। बोले हाँ, इसीलिए सासू जी उससे ज्यादा काम भी नहीं करवाती थी, सारा दिन अपने लड्डू गोपाल की सेवा में लगी रहती। एक दिन क्या हुआ, सासू जी को दूर एक विवाह में बुलावा आ गया 10 दिन के लिए जाने के लिए। अब सासू जी ने सोचा कि 10 दिन तक मैं लड्डू गोपाल जी को ले जाऊंगी, ना जाने कैसी सेवा होगी, चलो कोई बात नहीं, ये 10 दिन है अपनी मैं बहुरानी से सेवा करवा दूंगी। अब बहुरानी ने कभी सेवा की हो तो पता चले। तभी सासू जी ने बहुरानी से कहा, रे बहुरानी मैंने कभी तुझे परेशान नहीं किया, लेकिन ये 10 दिन तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। बोले कहो सासू जी। बोले तुझे मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करनी पड़ेगी। अब तो बहुरानी कहती है, रे सासू जी मैंने तो कभी इसकी सेवा करी नहीं, ना मुझे करनी आती। बोले मैं बताती हूं ना, मैं सिखाती हूं सेवा कैसे की जाती है। प्यारे आजकल तो लड्डू गोपाल रखने की एक रीस हो गई है कि पड़ोसन लड्डू गोपाल 6 नंबर का लाई है ना तो मैं 8 नंबर का लाऊंगी, कोई 8 नंबर का लाई है तो मैं 10 नंबर का लाऊंगी। अब ले तो आती हैं और हमारे पास आके कई माताएं बहनें पूछती भी हैं। बोले महाराज जी एक बात बताओ, हमने लड्डू गोपाल जी को रखा है, इसकी सेवा कैसे करें। किस किसने लड्डू गोपाल जी को रखा है। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले एक बात, ये वाक्य को हटा देना, इसीलिए हमने आपसे पूछा कि किस किसने लड्डू गोपाल को रखा है। कभी मत कहना कि हमने अपने लड्डू गोपाल को रखा है, हमने उनसे कहा ये कहना लड्डू गोपाल जी ने हमें रखा है। हम कौन आते हैं लड्डू गोपाल जी को रखने वाले, जो पूरे संसार को चलाता है, पूरे संसार को संभालता है, हम उसको रखने की हिम्मत रख सकते हैं। ये कहो लड्डू गोपाल जी ने हमें रख रखा है। हमने उनसे कहा कि बहन सबसे पहले तो ये मत कहना कि हमने लड्डू गोपाल को रखा है, ये कहो कि लड्डू गोपाल जी ने हमें रखा है। और जब भी अपने घर में लड्डू गोपाल जी को प्रवेश कराओ तो एक बात दिमाग से निकाल देना, ये घर मेरा है। यही कहना लड्डू गोपाल जी अब ये घर भी तेरा है और हम भी तेरे हैं। उसकी सेवा में लग जाना। अब तो प्यारे जिनके पास लड्डू गोपाल जी हैं और जो इनकी सेवा करते हैं, बड़े ध्यान से सुनेंगे। सासू जी कहते हैं, अरे बहुरानी मैं बताती हूं लड्डू गोपाल की कैसे सेवा करते हैं। सबसे पहले सुबह सुबह मेरे लड्डू गोपाल जी को प्रेम से स्नान कराना। और स्नान कैसे कराया जाता है ध्यान देना। कई लोग ऐसे हैं, सामने वाले का लड्डू गोपाल थोड़ा ज्यादा चमक रहा है ना, अपने वाले को दे जूने से घिस घिस के गोरा करने के चक्कर में लग जाते हैं। कभी भूल के मत करना ध्यान देना, क्योंकि जैसे तुम्हारी खाल कोमल है तुम्हारे बच्चों की खाल कोमल है। अरे ये काला और गोरा रंग तो परमात्मा की देन है, पड़ोसन का बच्चा अगर गोरा हो तो अपने काले बच्चे को क्या रेती घिस के गोरा करोगे।
जैसा उसका है उसका है, जैसा हमारा है हमारा है। प्रेम से बड़े कोमल हाथों से उसे स्नान कराना, क्योंकि जैसे तुम्हारी खाल नरम है कोमल है, ऐसे मेरे लड्डू गोपाल की भी नरम खाल है। अब प्रेम से स्नान कराना और साफ कपड़े से पहुंच के इसको वस्त्र पहनाना, श्रृंगार कराना, और श्रृंगार करके इनको नजर बहुत जल्दी लग जाती है, इसलिए काला टीका भी जरूर लगाना। बहू रानी कहती है अच्छा जी, और बोले एक बात तो रही गई, बोले मेरे लड्डू गोपाल के लिए प्रसादी अर्थात भोग जरूर बनाना, और क्या करना, मेरे लड्डू गोपाल को आईना दिखाना, आईना तो समझते ही हो, आईना दिखाना, अगर आईने में लड्डू गोपाल जी मुस्कुराना आरंभ कर दें तो इनको भी खिला देना और खुद भी प्रसाद पा लेना, इतना सा काम है। बहू रानी ने कहा ठीक है सासु जी, अब आप तैयारी करो, अब लड्डू गोपाल की सेवा मैं करूंगी। अब सासू जी तो चली गई अपने शादी विवाह के समारोह में। अब सुबह हुई, बहू रानी ने छोटे से लड्डू गोपाल को उठाया, प्रेम से स्नान कराया, स्नान करा के साफ कपड़े से पहुंचा जैसे सासू जी ने कहा था, वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया, तिलक लगाया, और जैसे ही भोग बनाया तभी याद आया कि पहले क्या करना है, आईना दिखाना है लड्डू गोपाल जी को, अगर आईने में मुस्कुरा दें तो इनको भी भोग लगा देना और खुद भी पा लेना। जैसे ही आईना दिखाया लड्डू गोपाल जी को, अब लड्डू गोपाल जी जैसे थे वैसे ही दिखेंगे। अब तो बहू रानी सोचने लगी, अरे लड्डू गोपाल जी तो मुस्कुराए नहीं, ये क्या हुआ, लगता है मेरी सेवा में कुछ कमी रह गई। तभी सारे वस्त्र दोबारा उतार दिए, सारा श्रृंगार दोबारा उतार दिया, और बहू रानी ने दोबारा श्रृंगार स्नान कराया, दोबारा वस्त्र पहनाए, दोबारा तिलक लगाया, और फिर बहुत आईना दिखाया, लड्डू गोपाल जी वैसे के वैसे। अब तो फिर सोचने लगी, लगता है कहीं ना कहीं तो भूल चूक हो गई, जब तक मुस्कुराएंगे नहीं, सासू ने कहा था कि जब तक ना मुस्कुराए ना इनको खिलाना ना खाना। अब तो बार बार बहू रानी स्नान कराए, वस्त्र पहनाए, श्रृंगार करें, तिलक लगाए, आईना दिखाए, लड्डू गोपाल जी वैसे के वैसे। अब तो सुबह 5 बजे से लेकर 12 बज गए, कितनी बार बहू रानी ने श्रृंगार कराया, कितनी बार स्नान कराया, लेकिन लड्डू गोपाल जी तनिक भी मुस्कुराए नहीं। अब तो बहू रानी को गुस्सा आने लगा, क्योंकि भूख का टाइम हो रहा था, नाश्ता भी नहीं किया, लंच का टाइम हो गया, और ठाकुर जी मुस्कुराने को राजी नहीं, लेकिन कहना मानना जरूरी सासू जी का, बोले ठाकुर जी मुस्कुरा दो, भूख लग रही है। अब तो प्यारे 12 बजे से 3 बज गए, 3 बजे से 6 बज गए, न जाने सैकड़ों बार बहू रानी ने स्नान करा दिया, सैकड़ों बार श्रृंगार करा दिया, लेकिन ये भी जिद्दी, एक बार भी नहीं मुस्कुराए। अब तो बहू रानी कहने लगी, ना खाऊंगी ना खाने दूंगी जब तक मुस्कुराओगे नहीं। अब तो प्यारे 6 बज गए, 9 बज गए, लेकिन वो भी जिद्दी, कोई बात नहीं कब तक नहीं मुस्कुराओ। प्यारे रात को 10:30 बज गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी बहू रानी ने, जैसे ही वस्त्र पहनाए, श्रृंगार कराया, और जैसे ही आईना दिखाया, ठाकुर जी जोर जोर से मुस्कुराने लगे, और प्यारे जैसे ही मुस्कुराने लगे बोले अब आई अकल, अब सुबह का जो बनाया तक बोले यही खाओ, क्योंकि सारा दिन मुझे हो गया तुम्हारी सेवा करते करते। अब वही सुबह का ठाकुर जी को भी भोग लगाया, और प्यारे बहू रानी ने खुद भी खा लिया। अब जैसे ही सुबह हुई, सुबह सुबह बहू रानी ने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया, तिलक लगाया,
और सुबह सुबह प्रसाद बनाया और ठाकुर जी को आईना दिखाया, ठाकुर जी पहली बार में मुस्कुराना चालू कर दिए। क्यों? ये तो पागल बहू है, सारा दिन नलाएगी जैसे कल नलाया था। पहली बार में मुस्कुरा दिए, बहू रानी बड़ी खुश हुई, अब सुधर गए ठाकुर जी। कल बहुत परेशान किया, आपने देखा होगा, आपके साथ भी हुआ होगा, जब आप लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहनाते हो ना, जो वस्त्र लड्डू गोपाल जी को अच्छे लगते हैं वो जल्दी जल्दी पहन लेते हैं, और कोई वस्त्र अगर अच्छे नहीं लगते ना तो बार बार कभी मुकुट गिरा देते हैं, कभी वस्त्र टाइट हो जाते हैं, कभी कुछ अड़ंगे होते हैं। ये क्या है? जैसे कई बच्चों को जब तुम कपड़े पहनाते हो, कई बार बच्चे मना करते हैं ना कि मम्मी ये नहीं पहनूंगा, दूसरा पहनाओ, ऐसे मेरा लड्डू गोपाल भी इशारा करता है। जो बार बार टोपी गिरे, बार बार वस्त्र टाइट हो, तो समझ जाना ये उसको अच्छे नहीं लग रहे। अरे कई तो इनको नाइट सूट तक पहनाते हैं, निकर पहनाते हैं, टी शर्ट पहनाते हैं, रात को कंफर्टेबल रहने चाहिए जैसे आप कंफर्टेबल रहते हो, ये भी हमेशा सजावट में अच्छे नहीं लगते। कहते हैं जैसे तुम नाइट सूट पहनाते हो मुझे भी पहनाया करो, उसमें बड़े खुश रहते हैं। अब तो लड्डू गोपाल और बहुरानी में आपस में इतना मन मिल गया, इतना मन मिल गया, अब जहां जहां बहुरानी जाए लड्डू गोपाल जी की मूर्ति अपने आप घूमनी चालू हो जाए। अब लड्डू गोपाल जी बहुरानी को देखकर मुस्कुराएं और बहुरानी लड्डू गोपाल जी को देखकर मुस्कुराएं। समय बीतता गया, दिन, कहते हैं जब आपस में मन मिल जाते हैं तो समय का पता नहीं चलता, और प्यारे जब मन नहीं मिलते तो थोड़ा समय भी बहुत लगता है। अब तो इतना मन मिल गया, जहां बहुरानी जाती छोटे से लड्डू गोपाल ठुमक ठुमक के उनके पीछे पीछे कभी रसोई में चले जाते, कभी पलंग के पास चले जाते। अब तो बहुरानी लड्डू गोपाल जी से खूब बातें करने लगी। अब धीरे धीरे 10 दिन का पता ही नहीं लगा। जैसे ही 10 दिन पूरे हुए सासू जी आई, अरे बहुरानी मेरे लड्डू गोपाल की तूने ठीक से सेवा करी या नहीं करी? बहुरानी कहती हैं, अरे सासू जी अपने आप पूछ लो अपने लड्डू गोपाल जी से। अब तो सासू जी भागी भागी गई लड्डू गोपाल जी से क्षमा मांगी कि मैं अपनी बहू की तरफ से माफी मांगती हूं, ना जाने कैसी सेवा करी होगी, कोई बात नहीं, मैं अब आ गई हूं, मैं सेवा करूंगी आपकी। अब सासू जी ने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया, तिलक लगाया, भोग का प्रसाद बनाया, और जैसे ही आईना दिखाया लड्डू गोपाल जी उदास। अब तो सासू जी हैरान, अब तो माफिया मांगने लगी, लगता है मेरी बहू से कोई गलती हो गई, कोई त्रुटि हो गई, तो मैं माफी मांगती हूं। इतना सुनते ही प्यारे मूर्ति में से भगवान प्रकट हो गए, बोली अरे मैया मैं परेशान नहीं हूं। बोले तो मुस्कुराए क्यों नहीं? बोले मैं मुस्कुराया इसलिए नहीं कि सारी सेवा तुम करना, लेकिन स्नान तो मैं तुम्हारी बहू के हाथ से ही करूंगा, क्योंकि बहुत अच्छा स्नान कराती है, सुबह से लेकर शाम तक स्नान कराती है, इसलिए हम आपसे कहते हैं कभी भी इसे भगवान मत समझना। कई कहते हैं तो हमारे भगवान हैं, और जो इसको भगवान मानते हैं प्यारे ये उससे बहुत दूर रहते हैं। जो भगवान मानते हैं ना प्यारे, वो सुबह स्नान करने के बाद एक आध बार धूप दीप दिखाया शाम तक पूछते भी नहीं है। तो ये किस चीज में खुश हैं? बोले तू मुझे बेटा मान, भाई मान, पिता मान, सखा मान, लेकिन भगवान बिल्कुल मत मान। और ये प्रमाण कब दिखाया? जब कन्हैया ने माटी की लीला करी। ध्यान देना सज्जनों, कन्हैया ने एक बार माटी खा ली, और उसके एक सखा थे जिसका नाम था मनसुखा, और मनसुखा ने यशोदा मैया से शिकायत करी कि अरे मैया तेरे लाला
माखन नहीं माटी भी खावे हैं। अब तो यशोदा मैया ने कहा हमारे यहाँ 9 लाख गाय हैं, हम दुनिया को माखन खिलाती हैं और हमारा लला माटी खा के हमारी बेइज्जती करवाता है, कहाँ है वो? बोले चल मेरे साथ। अब तो मनसुखा के साथ हाथ में छड़ी लेकर यशोदा मैया गई, क्या देखा? कन्हैया माटी खा रहे थे, पूरे मुख पे माटी लगी है। तब यशोदा मैया कहती है, हेरे लला तेने माटी खाई? देखो कितने सीधे हमारे ठाकुर जी जलेबी की तरह। बोले मैया मैं ना ही माटी खाए हो, जबकि पूरे चेहरे पर माटी, मुख में माटी लगी थी। कन्हैया कभी झूठ नहीं बोलते, ध्यान देना। कन्हैया ने कहा था कि मैया मैंने ही माटी खाई, मैंने ही माटी खाई, लेकिन यशोदा मैया को लगा मैं ना ही माटी खाई। बोले जरा अपना मुखमंडल खोल के दिखा। जैसे छोटे से लला ने अपना मुखमंडल खोला तो क्या देखा? उस मुख में पूरा का पूरा ब्रह्मांड, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, ना जाने कितनी गैलेक्सियां दिखाई दे रही थी। अब तो जैसे यशोदा मैया ने गौर करके देखा, क्या देखा? उस पूरे के पूरे मुख के ब्रह्मांड के अंदर एक छोटा सा बिंदु दिखाई दे रहा है, और वो बिंदु क्या था? वो भारत देश था। जैसे ही मैया ने और गौर करके देखा, भारत देश के अंदर भी एक बिंदु दिखाई देने लगा, क्या देखा? वो बिंदु दिल्ली था। जैसे ही यशोदा मैया ने और गौर करके देखा तो दिल्ली के अंदर भी एक बिंदु दिख गया, और जैसे ही गौर करके देखा वो बिंदु क्या था? प्यारे वो नंगली पूना गांव था। और जैसे ही नंगली पूना गांव के अंदर भी एक बिंदु देखा यशोदा मैया ने, तो क्या देखा? कुएं वाली चौपाल में सभी प्रेम से श्री हरि की कथा श्रवण कर रहे हैं। प्यारे ये देखकर यशोदा मैया गदगद हो गई, खुशी के मारे आनंद से झूम उठी। तो प्यारे कहने का भाव क्या है कि हम जिस भाव से कथा सुनते हैं ना, उस भाव में कन्हैया हमारा साथ अवश्य देते हैं। जिस भाव से हम कन्हैया से रिश्ता जोड़ते हैं वो रिश्ता मेरे ठाकुर अवश्य निभाते हैं। और ये 7 दिन का आप रिश्ता बनाकर देख लेना, ये 7 दिन की यात्रा में आप सभी